हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का सेट नंबर, हम लोग देख रहे हैं आज 6। ठीक है, सेट नंबर 5 तक हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज हम लोग सेट नंबर 6 को देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है सो कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक सेट मेरा और बच जाएगा जो कि हम आपको जो है सो नेक्स्ट दिन जो है सो करवा देंगे। ठीक है, कल जो है सो आपका एक और सेट जो बचा हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि हम लोगों ने जो है सो अभी तक टोटल जो पिछला का जितना भी मतलब कि 5 सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो सभी का जो है सो हम को एक प्लेलिस्ट जो है सो बना दिए हुए हैं, तो वो प्लेलिस्ट से जो है सो आप लोग आसानी से जो है वीडियो को देख सकते हैं, एक जगह पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सारे को देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, और 2021 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम जो कि साइंस स्ट्रीम है उसमें आपको जो है सो बायोलॉजी का जो वीडियो है वो आपको हम देंगे। इसके बाद 6 सेट उसका भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि लगभग 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग जो है कवर कर रहे हैं सेट नंबर 6 को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, यहाँ पे जो है सो एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है इसको हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 75 है वहाँ तक जो है सो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से आगे बढ़ेंगे और लास्ट जो मेरा प्रश्न होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 90 तक। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम एक सेट में कंप्लीट करते हैं, तो आज भी जो है सो हम लोग 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 जो कि है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। पूछा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग से संबंधित है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, ए है नवपाषाण, बी है पूर्व पाषाण, सी है लव युग और ऑप्शन डी दिया गया है कांस्य युग। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कांस्य युग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये संबंधित है कांस्य युग से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 जो कि है किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। कौन सा शासक है निम्नलिखित में से उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। ए ऑप्शन में है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दिया गया है बिंदुसार। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है अशोक। तो ऑप्शन नंबर ए पर आपको जो है सो टिक लगाना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 जो कि है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की ये आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, ए नंबर में है कालिदास, बी है बाणभट्ट और सी है हरिसेन और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, इसमें जो सही हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है हरिसेन। तो हरिसेन पे आपको टिक लगा देना है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 जो कि है गंगा पुत्र किसे कहते हैं। पूछा है कि गंगा पुत्र किसे कहते हैं, तो आपके बीच यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अर्जुन, बी है विदुर, सी भीष्म और ऑप्शन डी है पांडु। तो ये चारों में से जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है भीष्म। तो भीष्म पे आपको टिक लगा देना है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 जो कि है आपका देख सकते हैं बादशाह नामा किसने लिखा था। पूछा है कि बादशाह नामा किसने लिखा था। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में है फैजी, बी है अबुल फजल, सी है अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी है निजामुद्दीन अहमद। तो ये चारों में से सही आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है अब्दुल हमीद लाहौरी। तो आपको इस पे जो है सो टिक लगा देना है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 जो कि है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में शाहजहाँ, बी है औरंगजेब, सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है,
इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बहादुर शाह जफर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, जो कि है तलवंडी का, तलवंडी जो है ये किसका जन्म स्थान है, बताना है कि तलवंडी जो है ये किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन ए है कबीर, बी है नानक, सी रैदास और ऑप्शन डी है मीरा। तो ये चारों में से जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नानक। तो जो तलवंडी है ये नानक का जन्म स्थान है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, जो कि है कोल विद्रोह कब हुआ, बताना है कि कोल विद्रोह कब हुआ, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में 1825, बी है 1828, ऑप्शन सी है 1831, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1832। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1831। कोल विद्रोह जो है ये हुआ था 1831 ईस्वी में। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 84 है, इसको देखते हैं, देख सकते हैं ये है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी है बुद्धो भगत, सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी है टाना भगत, ठीक है। तो ये चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि है सिद्धू कान्हू, ठीक है। कान्हू नहीं होगा, सिद्धू कान्हू है, ठीक है। तो इसको आपको करना है कान्हू, ठीक है, ये हो जाएगा सिद्धू कान्हू। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, जो फ्रांसी बुकानन था, ठीक है, फ्रांसी बुकानन था ये कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन में है यात्री, बी है चिकित्सक, सी है इतिहासकार, ऑप्शन डी है क्रांतिकारी, ठीक है। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो ये होगा आपका सही आंसर बी नंबर, ठीक है, चिकित्सक। जो फ्रांसीसी बुकानन था ये क्या था, चिकित्सक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर, जो कि है, देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है झांसी, बी में है काशी, सी है कानपुर, ऑप्शन डी है कालपी, ठीक है। तो इसमें से जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है काशी। काशी कहाँ पे है, यह है वाराणसी के पास में, तो कहीं कहीं आपका जो है सो वाराणसी भी मिल जाता है, ठीक है। तो वाराणसी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यदि वाराणसी नहीं है, काशी है, तो काशी पे आप टिक लगाइए, और अगर यहाँ आपका दोनों नहीं मिलेगा एक जगह पे, ठीक है, काशी और वाराणसी में से कोई एक ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है जो भी रहेगा उस पर टिक लगा देना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, वास्को डिगामा भारत कब आया, ठीक है। तो जो वास्को डिगामा है ये भारत कब आया था, आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, ए है मार्च 1498, बी है मई 1498, सी है मार्च 1598, ऑप्शन नंबर डी है मई 1598। तो ये चार ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा मई 1498। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है मई 1498, तो ये वाला सही आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चंस, जो कि है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, भारत में बताना है कि रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में 1753 ईस्वी, बी दिया गया है 1773 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1853 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है वो है 1873 ईस्वी। तो ये चार ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, और यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका 1853 ईस्वी में जो है सो आपका क्या हुआ था, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चंस, जो कि है गांधी जी चंपारण कब गए, गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1909, ऑप्शन बी दिया गया है 1917, ऑप्शन सी दिया गया है 1929, और ऑप्शन डी दिया गया है 1931। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1917, ठीक है। तो गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे, 1917 ईस्वी में जो है सो गए थे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, जो कि है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, बताना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, ठीक है।
और ये 90 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ए नंबर आपका ऑप्शन दिया गया है 1919, बी दिया गया है 1927 और ऑप्शन सी दिया गया है 1929, और जो डी ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 1931। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग जो है सो इसका आंसर आपको, अभी आपने देखा हिस्ट्री का सेट नंबर 6 जिसमें हम लोग जो है टोटल 15 जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है सो कम्प्लीट किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो आप हमसे जो है सो व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और कैसे आपका PDF मिलेगा इसके बारे में भी वहाँ जानकारी दे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।